हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार, आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर। आज का वीडियो, ईश्वर को पूजने वाले लोग मूर्ख होते हैं, ऐसा बयान किसने दिया, क्यों दिया गया। उन्होंने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया, जाति प्रथा का घोर विरोध किया। कोई भगवान नहीं है, ईश्वर का उपदेश देने वाले लोग मूर्ख होते हैं, भगवान की बात फैलाने वाले दुष्ट हैं और जो भगवान से प्रार्थना करते हैं वे बर्बर हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूं कि इस वीडियो में उस महामानव के बारे में, उस महापुरुष के बारे में बताने जा रहा हूं जो 18वीं शताब्दी में ईश्वर से ही टकरा कर और उन्हें यह सिद्ध कर दिया कि इस धरती पर कोई भगवान कोई ईश्वर नहीं है। और उन्होंने ईश्वर से 15 सवाल पूछ लिए, इसका जवाब किसी के पास में नहीं है। साथियों, उस महापुरुष के द्वारा पूछे 15 सवाल भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने कौन कौन से सवाल पूछे थे और एक आम बालक से एक महापुरुष बनने की छोटी सी कहानी बताऊंगा। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत में जन्मे पेरियार रामास्वामी नायकर। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को पश्चिमी तमिलनाडु के इरोड में एक संपन्न परंपरावादी हिंदू परिवार में हुआ था। रामास्वामी नायकर पेरियार के बारे में, साथियों, पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था तो उनके सामने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें आती थी, फोटो आती थी। जब वह 6 वर्ष के हुए तभी से अपने माता पिता से सवाल जवाब करने लगे इन फोटो के बारे में कि यह कौन है, किसकी तस्वीर है, जिनके हाथ इतने सारे हैं, पैर इतने सारे हैं, जिनके हाथों में त्रिशूल है, गदा है, हथियार है, इनका क्या काम है। तब उनके माता पिता बताया करते थे उनका काम है रक्षा करना। फिर वह पूछते थे, जो आप लोग प्रसाद चढ़ाते हो, जो भोग विलास की चीज़ें करते हो, उसका क्या मतलब है, क्या पत्थर की मूर्ति भी खाती है। लेकिन इनके माता पिता उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे। जब रामास्वामी पेरियार छोटी उम्र में कहीं भी घर से बाहर जाते थे तो यही सवाल सभी लोगों से किया करते थे, जिसके कारण शरारत तक हो जाती थी, जिसकी वजह से माहौल खराब हो जाता था। तब उनके पिता ने रामास्वामी पेरियार को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया था कि तुम घर के बाहर कहीं नहीं जाओगे, अगर बाहर जाओगे तो विवाद होगा और फालतू के सवाल पूछोगे। धीरे धीरे पेरियार रामास्वामी की उम्र बढ़ती गई और धीरे धीरे बड़े होते गए और जब वह बाहर जाते थे विवाद हो जाता था। वे ईश्वर भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वह पूछते थे और तर्क करते थे। तर्क और वितर्क के माहिर वह चाहते थे कि उनके सवालों के जवाब मिले। सवालों का जवाब नहीं मिल पाता था, लेकिन एक दिन घटना घटती है। 1904 ईस्वी को एक ब्राह्मण के खिलाफ वे गवाही देते हैं और ब्राह्मण जेल चले जाते हैं तो उनके पिता उनको खरी खोटी सुनाते हैं, इसलिए रामास्वामी पेरियार बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कहीं चलकर घूम आता हूँ, कोई तीर्थ यात्रा पर चलता हूँ, क्योंकि यही सुना था कि यात्रा पर चले जाने से लोगों का मन शांति से भर जाता है, लोगों को अच्छा फील होता है। उसी उद्देश्य से वह यात्रा पर जाते हैं। जैसे ही वह तीर्थ यात्रा पर पहुँचते हैं उनको भूख लग जाती है, वहाँ पर खाना खिलाया जाता था। रामास्वामी पेरियार हाथ पैर धोकर खाना खाने के लिए जाते हैं तो यह पता चलता है कि यह व्यवस्था सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। यहाँ पर भोजन के लिए सिर्फ ब्राह्मण ही भोजन कर सकते हैं और कोई भोजन नहीं कर सकता है। तब उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि मैं भी हिंदू हूँ, ब्राह्मण भी हिंदू है, फिर मैं उनके साथ बैठकर क्यों खाना नहीं खा सकता, फिर क्या परेशानी है, जब दोनों हिंदू हैं तो फिर समस्या क्या है। यह इनके दिमाग में सवाल पैदा होता है। तब उनको लगता है कि हिंदू धर्म में भी दो धर्म हैं, दो चीजें हैं, एक ऊंच है और एक नीच है। हिंदू होते हुए भी मैं हिंदू के साथ खाना नहीं खा सकता हूं तो इस व्यवस्था का क्या मतलब है। और उसके बाद वह वापस आते हैं
जो भी हिंदू देवी देवता होते हैं उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं और सवाल की जड़ी लगा देते हैं और सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। हिंदू देवी देवताओं की फोटो को जलाकर फूंकना शुरू कर देते हैं और फिर पीटना भी शुरू कर देते हैं और बाजारों में जाकर मूर्तियों को पीट पीट कर कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इन मूर्तियों का कोई मतलब नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके बाद पेरियार नायकर स्वामी ने एक चच्ची रामायण लिखी और उस समय जितनी भी रामायण लिखी गई थी, जितनी भी भाषाओं में लिखी गई थी, सभी रामायण को पेरियार रामास्वामी ने पढ़कर एक एक शब्द को समझते हुए, उसका अध्ययन करते हुए, उसका तार्किक जवाब देते हुए, यानी कि भारत में जितनी रामायण थी सभी रामायण का भंडा फोड़ दिया और अपनी रामायण सच्ची रामायण में लिखते हैं। दोस्तों, सच्ची रामायण ब्राह्मणों के कहने पर हाईकोर्ट ने जब्त कर ली जाती है। बाद में आगे चल करके ललई सिंह यादव जी ने मुकदमा लड़ा और मुकदमा जीत करके हाईकोर्ट से जब्त रामायण वापस लिया और यह सच्ची रामायण मार्केट में मिल रही है। साथियों, अब सबको सच्ची रामायण की किताब चाहिए तो मिल सकती है। साथियों, दक्षिण भारत के पेरियार रामास्वामी नायकर की जितनी भी मूर्तियां बनी हैं उन मूर्तियों के नीचे लिखा गया है, ईश्वर को मानने वाले मूर्ख होते हैं, ईश्वर नहीं है, ईश्वर बिल्कुल नहीं है, जिसने भी ईश्वर को रचा है वह महाबेवकूफ़ है, जो ईश्वर का प्रचार प्रसार करता है वह दुष्ट है और जो ईश्वर की पूजा करता है वह बर्बर है। यह चर्च नायकर रामास्वामी पेरियार ने कहा था, इसलिए उनकी मूर्तियों के नीचे लिखा गया है। साथ ही उनके द्वारा पूछे गए 15 सवाल भी इनकी मूर्ति के नीचे लिखा गया है, जिसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि सब मूर्तियों के नीचे लिखा गया है, इससे धार्मिक भावना आहत होती है। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि रामास्वामी पेरियार जो कहते हैं वे सत्य हैं, उनके द्वारा कहे गए शब्दों को मूर्तियों के नीचे लिखवाना गलत नहीं है। उनके 15 सवाल इस प्रकार हैं। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो छिपे रहते हो, हमेशा कभी किसी के सामने नहीं आते हो? दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामत प्रस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाना चाहते हो? तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखा रहते हो जो लोगों से मिठाई घी आदि लेते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते रहते हो? रामास्वामी का छठा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो लाखों टन सोना अपने मंदिरों में दबाए बैठे हो? उनका छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों के अंदर देवदासियों को रखते हो? सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो, हर रोज होने वाले अत्याचार बलात्कार को रोक नहीं पाते हो? रामास्वामी पेरियार का आठवां सवाल था, क्या तुम मूर्ख हो, विश्व में गरीबी भुखमरी होते हुए भी खरबों का दूध तेल घी अपने ऊपर बहा देते हो? नौवां सवाल, क्या तुम बहरे हो, बेवजह मरते आदमी मासूम की आवाज़ तुम्हें सुनाई नहीं देती? दसवां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हैं फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता है? ग्यारहवां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर हत्या करवाते हो? बारहवां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो लोग तुमसे डरते हैं? रामास्वामी पेरियार का तेरहवां सवाल, क्या तुम गूंगे हो, एक शब्द बोल नहीं पाते, करोड़ों लोग तुमसे पूछते हैं, एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलता? उनका चौदहवां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कुछ नहीं देते जबकि गरीब दिन रात मेहनत करके तुम्हारे ऊपर न्योछावर कर देते हैं? और साथियों, पंद्रहवां सवाल रामास्वामी पेरियार का, क्या तुम मूर्ख हो जो हमारे जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते हैं, तुम्हारे होने के अस्तित्व को नकारते हैं? तो साथियों, ईश्वर सिर्फ शोषण के लिए बनाया गया है, यह पेरियार रामास्वामी का मानना था और उनकी मूर्तियों के नीचे 15 सवाल लिखे गए। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।